ईद उल फितर त्यौहार एवं नमाज के मद्देनजर आज काशीपुर कोतवाली में पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुषा बड़ोला के नेतृत्व में शहर के सभी गणमान्य लोगों के साथ अमन शांति के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में ईदगाह कमेटी के सदर हसीन खान ने कहा कि ईद का त्यौहार आपस में भाईचारे के साथ सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से ईद के दिन साफ सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने और ईदगाह वाले रास्ते पर असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखने की बात कही। पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुषा बड़ोला ने शहर में सुरक्षा को लेकर पूरी व्यवस्था किए जाने को कहा। साथ ही किसी भी प्रकार से कोई असामाजिक तत्व किसी घटना को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। हमारे कन्वेंशन है पुलिस में कि एक अमन की मीटिंग की जाती है जिसमें सभी धर्मों के लोगों को बुलाया जाता है। अभी ईद होने आने वाली है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ काशीपुर थाने में एक बैठक की गई थी। सभी सम्मानित व्यक्ति आए थे, उसमें उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछी गई। पिछले वर्ष अगर उन्हें ईद में या किसी उसमें त्यौहार में उनको कभी कोई समस्या आई थी तो उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, उसके ऊपर हम कार्यवाही करेंगे। और पहले एडवांस में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। उसमें जो भी व्यवस्थाएं को लेकर के मीटिंग की गई है उस समय हमारे कोतवाल साहब ने, सीओ मैडम ने हमें पूरा सहयोग देने की बात कही है। जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी वहाँ पर रास्ता में, क्योंकि वो बाईपास निकलता है तो वहाँ पर सवार वाहन को रोकना होता है, बहुत सारी व्यवस्थाएँ जैसे महेश्वरा में जानवरों को लेकर के है और कुछ मस्जिदों में, क्योंकि ईद के बाद सब मस्जिदों में भी नमाज होती है तो वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन को आकर, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है सर पर, कुछ लोग जो है खुराफाती लोग होते हैं जो सिस्टम को खराब करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारा कांचीपुर बहुत अमन का शहर है तो हम सब लोग अच्छे से ईद मनाएंगे। सब लोगों ने आश्वस्त किया है, सभी धर्म के लोगों ने, और क्योंकि ईद की नमाज हमारे यहाँ ईदगाह में 9 बजे अदा की जाएगी। आप सब लोग भी ईद में कहते हैं मुबारकबाद पेश करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।